कांग्रेस की यात्रा का कोई फायदा नहीं, कांग्रेस की बीमारी है, भारत तोड़ा ही इन्होंने, तो जोड़ा किस बात के लिए? पैदल यात्रा से नहीं होगा, पद यात्रा चलने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। 140 किलोमीटर लड़के दौड़ के जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। जो कुछ किया है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इस देश का मुसलमान भी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आ रहा है। राहुल के एक बार चांस दो, अपने लोग इकट्ठे करके आप यात्रा कर लेते हैं तो आप इसको सफल बोलते हैं। हमारा भारत कभी टूटा ही नहीं था। जो राहुल बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं, उनको जो लिख कर दे दिया जाता है सिर्फ वही यूज करते हैं, अपना ब्रेन यूज नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ ही समापन हो चुका है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई चेहरे उभर कर सामने आए, जहां कुछ लोगों ने उनकी सराहना की तो वहीं कई बार राहुल गांधी विपक्षी के घेरे में भी आ गए। इस वक्त हम दिल्ली की दिल सीपी में मौजूद है, जहां पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान कितने हिट साबित हुए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सर, आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो कहां तक सफल रही? कोई सफल नहीं रही और कोई इसका फायदा नहीं है, कोई एक एक, एक परसेंट भी वोट नहीं बढ़ा इससे, क्योंकि कांग्रेस की ने जो भारत जोड़ा यात्रा करी उसका कोई शोभा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, क्योंकि वजह आपको समझाता हूँ, भारत तोड़ा ही इन्होंने, तो जोड़ा किस बात के लिए? वो कौन सा जोड़ रहे हैं भारत का? हमारा कश्मीर लेके आए तो हम जोड़ा समझे, तो हमारा जो पीओके लेके आए तो हम जोड़ा समझे, तो कांग्रेस की यात्रा का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस एक बीमारी है और उसने इस देश में जो पाकिस्तान ने जेल डाला वो पाकिस्तानी बेचारे बिना जेल से मर रहे हैं। आटा उनके लिए जेल बना दिया। हमारे हिंदुस्तान के भी मुसलमानों को जेल डाल रही है और हमारे हिंदुस्तान को मारने के चक्कर में हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे अपने, वो धर्म परिवर्तन जरूर करा लेकिन है हमारे, कभी पाकिस्तान जैसे नहीं होंगे और वो भी सुधर जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता लगेगा पाकिस्तान का हाल देख के कि पाकिस्तान आज क्या कर रहा है, वो हमारे हिंदुस्तान मुसलमानों को पता लगेगा और वो भी देशभक्त बनेंगे। वो देशभक्त थे और है, कुछ थोड़े बहुत है तो उसको हम अपने आप सुधार देंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो कश्मीर में पैदल यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी या आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके से पैदल यात्रा। राहुल गांधी को कश्मीर का कोई ए बी सी डी कुछ भी पता नहीं है। ए बी सी डी राहुल गांधी को पूछो, कश्मीर का कोई चीज पता नहीं है। राहुल गांधी को बोलो तेरे नाना ने कभी वहाँ पे कश्मीर बांटा था 370 लगा के, जो मोदी जी ने 370 हटा के वहाँ पर तू झंडा फहरा गया, तेरी औकात थी वहाँ पर झंडा फहराने की? वो तो मोदी जी ने 370 हटाया तभी तो जाके झंडा फहराया, तेरी औकात नहीं थी ना तेरे कांग्रेस की औकात थी। ये तो मोदी जी ने वहाँ क्या बोलते थे आतंकवादी कि इनको बारूद लगा के उड़ा देंगे, इधर को झंडा लगा के, तो मोदी जी ने हटा दिया, तो अभी जाके शान से पहन के बता रहे मैंने झंडा फहरा दिया। कौन सा झंडा फहरा दिया राहुल गांधी ने? इस बीच जब यात्रा का समापन हुआ तो एक आउटलुक जो है राहुल गांधी का बाहर आया, जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि तिरंगा से बड़ा जो है उनकी तस्वीर है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये क्लियरली बात है कि ये कांग्रेस की मूर्खता है। कांग्रेस आज भी अपने आप को आज भी अपना देश समझ रहे, उनके बाप का देश नहीं है, ना तो उन्होंने आज़ादी दिलाई ना उनका आज़ादी में कोई मरा है। जो मरे अपने कर्म से मरे हुए, जो कांग्रेसी मरे हुए वो अपने कर्म से मरे हुए, कोई हमारे देश के लिए किसी ने कोई बलिदान नहीं दिया। ये लोगों को हम लोगों को गुमराह कर रहे थे कि कांग्रेस ने बड़ा बलिदान दिया, कि कोई बलिदान नहीं दिया हमारे देश के लिए, कांग्रेस ने कोई बलिदान नहीं दिया, एक भी कांग्रेस का आदमी हमारे देश के लिए नहीं मरा, नंबर वन। नंबर टू, अगर हमारे अपोजिशन देखो हमारे को पता है कि देश के साथ अगर सरकार है तो सरकार के साथ अपोजिशन भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी एक सकारात्मक हो, ऐसा नकारात्मक बिल्कुल नहीं, जो देश के खिलाफ बोलेगा, सेना के खिलाफ बोलेगा, चाइना को सपोर्ट करेगा, चाइना का पैसा ले लेगा इधर हमारी सेना को बर्बाद करने के लिए, तो उसको हमें चाहिए किस लिए? वो किस लिए चाहिए? चाइना हमारे सड़क में एक इंच भी नहीं घुसी है, एक इंच क्या, जो नेहरू ने जहाँ तक घुसाई वहीं पर आए, जहाँ नेहरू ने घुसाई थी वहीं पर आए। चाइनीज है क्या, उनकी कीमत क्या 54 है वो, हमारे 60 आदमी ने 300 आदमी को मारा है, बताओ फिर हमारी ताकत क्या है बताओ? और आज मेरी उम्र है 62 और आज भी सेना में जाने के लिए तैयार हूँ, आज भी सेना में जाने के लिए तैयार हूँ, ये हमारा जज्बा है। हम लोग देशभक्त हो गए, हमारे राष्ट्र पहला है, धर्म कोई नहीं है, क्या धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो नफरत फैलाने का काम कर रही है वो इस यात्रा के दौरान उस नफरत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन नफरत फैला रहा है, कहाँ खड़गे आरोप लगा रहे हैं? तो खड़गे और राहुल गांधी, अच्छा शुरू पादरी से जाके मिलके नफरत किसने फैलाया,
जो धरती माँ से प्यार नहीं करता है, उसके आगे आए तो कहे कि हिंदू शब्द गाली है, उसके बाद से कह रहे हैं कि आरएसएस हमारी गीता जिहाद फैलाती है। कौन फैला रहा है? मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, डे वन से कहते आ रहे हैं। और रोज़ राहुल गांधी के नेता और राहुल गांधी रोज़ धार्मिक टिप्पणी आती है, गिनाने लगूं तो 1000 गिना दूंगा। कौन नफरत फैला रहा है? कौन नफरत फैला रहा है? रोज़ बयान आ रहा है जिस पर टीवी पर चर्चा चलता है। चूंकि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, किसी कांग्रेसी से पूछिए कि आपका मॉडल कौन सा है। मॉडल जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो काम किए हैं वो एक मॉडल दिखा सकते हैं, या गुजरात मॉडल। केजरीवाल कह सकता है कि मेरा शिक्षा मॉडल। नीतीश कुमार कह सकते हैं मेरा सुशासन मॉडल। राहुल गांधी का कौन सा मॉडल? रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी का कौन सा मॉडल है? कोई बता दे कि वह 5 साल 70 साल उनका परिवार रहा, ठीक, उत्तर प्रदेश में। उनके राहुल गांधी रहे थे, नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी रहे, सारे लोग वहीं से जीते। एक सीट इस लायक नहीं बनाए हैं जहां से राहुल गांधी जीत सकें, वहां से भाग के वायनाड जाना पड़ता है। ये उनकी औकात है, ये उनका विकास है, ये उनका मॉडल है। कोई बताए मुझसे 70 साल में जहां उनके पूरा खानदान काम किया, जहां से नेता रहा, वहां कोई बताए कि वहां एक सीट उनके लिए है? एक मैंने 70 साल में एक सीट इस लायक नहीं बना पाए जहां से वो चुनाव लड़े, जाकर केरल से लड़ना पड़ रहा है। क्यों? ये देश पूछता है, जानना चाहता है हर बच्चा कि कौन सा मॉडल है। बात समझ रहे हैं? विजन विकास नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, नेहरू गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने? वोट तो मिला था उन पटेल को गांधी बाबा के सिफारिश से, वो उसके तब बने। इंदिरा गांधी कब बनी? एक तो यहाँ के ये जो बड़े बड़े मीडिया और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बना दिया, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बना लिया। राजीव गांधी कब बने? जब इंदिरा गांधी मर गई तब। विकास मॉडल कब था? कभी था का? जब विकास मॉडल इस देश का था ही नहीं, और था न है और न रहेगा। पहली बार विकास इस देश का विकास मॉडल। बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि कश्मीर में पैदल यात्रा निकाल के दिखा। तो हम तो हमारे वहाँ बाबा धाम लोग 114 किलोमीटर दौड़ के चले जाते हैं, सबको लाके प्रधानमंत्री बना दे। 140 किलोमीटर लड़के दौड़ के जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, समझ रहे हैं ना, उस पे उनका मॉडल क्या है। पैदल यात्रा से नहीं होगा, पद यात्रा चलने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप यह बताइए कि आप अपने, जैसे मान लीजिए संसद रहे वायनाड में, 5 साल उत्तर प्रदेश में सांसद रहे, वहाँ आपने क्या किया? उस आधार पे हम तय तो करें कि हम राहुल गांधी हमारे देश को इस मॉडल के आधार पर यहाँ ले जाएंगे। हमको विकास से मतलब है ना। आप बातें तो शिक्षा की करते हैं, रोजगार की करते हैं, फला करते हैं, मोदी पर सब कुछ करते हैं। आप अपना बताइए, अगर भविष्य का हमारा कोई प्रधानमंत्री हो, उसका विजन क्या है, विजन डॉक्यूमेंट। हम उसी को हम टेस्ट करते हैं ना, हर चीज़ का टेस्ट करते हैं। साइंस भी कहता है टेस्ट करके मानो, ठीक ना। तो वो विजन कहाँ है? आप मुझे दिखाइए, जहाँ भी रहे हो जिस क्षेत्र में उसमें दिखाइए। क्या वहाँ गरीबी मिटा दी आपने? इनकी बात से आप कितना सहमत? बात उनकी बहुत बढ़िया है। क्या किया राहुल गांधी जी ने ये बताइए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए 2014 से पहले क्या हाल थी रोडों के। किसान परेशान, गरीब परेशान, मजदूर परेशान। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, देश के अंदर रोजगार भी है आज पूरे अंदर देश के। सर आप कह रहे हैं रोजगार है, आधा युवा कह रहे हैं उनके पास रोजगार ही नहीं है। देखिए, जिसे रोजगार नहीं हो, मेरे पास आए, मैं रोजगार दिला दे देता हूँ। आ जाए मेरे पास, जिसको रोजगार नहीं है ना, वो मेरे पास आ जाए। गांव गांव में इस समय पानी की लाइन बिछ रही है, वहाँ काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। 700-800 में मैं उसी में काम करता हूँ, 700-800 रुपए देने का पर भी काम करने वाले नहीं है। या फ्री में खाने वाले जो लोग हैं ना, उनके पास रोजगार नहीं है। और इस देश में जो जगह जगह बम फूटता था, वो नहीं फूट रहा, इसीलिए उनके पेट में दर्द है। जो कुछ किया है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इस देश का मुसलमान भी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आ रहा है। अच्छा, आगामी 2024 के जो चुनाव है, आप किसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री 100% फिर जीत रहे दोबारा से, क्योंकि इस देश का बच्चा बच्चा हर समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। उन्होंने देश के अंदर शिक्षा दी है, घर दिया है, पानी दिया है, जल दिया है, लाइट दी है, पूरे देश को रोड दिया है। आज देश के अंदर किसान भी
खुशहाल है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख ले। आप कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को पानी दिया है, रोड दिया है, लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की तो अभी भी दिल्ली में कई इलाके, कई जगह ऐसे हैं जहां पर रोड तो क्या, पानी निकासी की समस्या अभी भी 20-30 सालों से जैसी की तैसी बनी। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल से काम कर रही है। 60 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, हमने 9 साल में इतना कुछ कर दिया है। बाकी समय तो लग गया, जो थोड़ी बहुत ही कमियां हैं वो 2024 में हम पूरी कर देंगे। दो प्रयास है 2024 तक, जो समस्या दिल्ली की है, पूरे देश की है, उसे हम करने का काम कर। आप कह रहे हैं 9 साल से है, पिछले 15 साल से MCD जो है बीजेपी के अंडर है, इसके बाद भी कई इलाकों में अभी भी बहुत सारी समस्या जो की तो बनी हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी स्पीड से काम चल रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर चारों तरफ काम चल रहा है। वो चाहे निकासी का मामला हो, वो किसी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे वो रोजगार की, शिक्षा की, क्या वो बसों का, किसी मामले में लेके भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पीड से काम कर रही है। जितने भी बैठे केंद्र में मंत्री है, बड़ी चिंतन कर रहे हैं कैसे देश को रोजगार दिया जाए, कैसे देश के अंदर से भ्रष्टाचार क्रम खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। पूरे देश का बच्चा बच्चा माननीय प्रधानमंत्री चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये 2024 में हम देश की जनता को दिखा देंगे। सबकी जमानत जब्त होनी है। 9 राज्यों में चुनाव है, ये आपका परिणाम सामने आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया गया, इस दौरान एक तस्वीर जो है काफी वायरल हो रही है जिसमें तिरंगा के ऊपर जो है राहुल गांधी की फोटो दिखाई जा रही है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने तिरंगा के ऊपर जो फोटो लगाया है वो तो सर गलत है, बहुत गलत किया उन्होंने, क्योंकि एक तिरंगा देश का तिरंगा, हाँ तो गलत किया है ना उन्होंने, वो तिरंगा का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगा दिखना चाहिए ना, हमारा देश का तिरंगा है जिसके हमारे फौजिया भी, फौजी जितने हैं बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने तो आज तक मुसलमान को भटकाने का काम किया है। शिक्षा क्यों नहीं दी मुसलमान को? क्यों नहीं बीटेक करेगा, पॉलिटेक्निक करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, या हमारे से नौकरी का सवाल करेगा? जब देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जाए, सबसे पहले मुस्लिम समाज को शिक्षा दिए। ये कह रहे हैं कि भड़काने का काम किया है, राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं कह रहता हूँ राहुल गांधी के एक चांस दो बोल के पूछ रहा हूँ इंडिया को, पूरे को। क्या के लिए बोले तो, इंडिया में मोदी को दो बार दिए थे, वो यूथ है, यूथ के लिए कुछ तो कर सकते हैं, जवान के लिए कुछ तो कर सकते हैं। ड्यूटी आपके हिसाब से चांस देना चाहिए? देना है यूथ के, देना है। वो क्या करते हैं, ईडी बोल के, वो बोल के कर रहे हैं, वो स्टेट को पूरा बेकार कर दे रहा है। वो स्टेट में एक गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट को दुबा दे के इन लोग का बीजेपी की गवर्नमेंट कर रहे हैं, कहीं को करना है ऐसा? वो एक MLA है, उसको यह है ईडी बोल के भिजा के कर दे रहा है, ईडी बोल के उसको दुबा दे रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे हुआ, बेंगलुरु में ऐसे हुआ, एकनाथ शिंदे को लगा है, कहीं को लगाना ऐसा क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हैं बोल के मालूम पड़ रहे ना, पूरा देश में मालूम पड़ रहा, यूथ की भी मालूम पड़ रहा है क्या कर रहे लोग, यूथ को दो एक बार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मौका देना चाहिए, कि क्या पैदल चलने और यात्रा करने से बेरोजगारी जो है वो खत्म हो जाएगी? वैसा कुछ भी नहीं है, वो यूथ के लिए कुछ वो जॉब मिल सकते हैं। पिछले 70 साल से जो है कांग्रेस का वर्चस्व है, तो अब तक बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हुई? उनको अभी ही क्यों याद आ रहा है कि देश में बहुत से गरीब जनता है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 3 बच्चियां दिखी, उनको ठंड लगा, तो इससे पहले गरीब जनता क्यों नहीं उनको दिखी, उनको जिनको ठंड लग रही थी, तो तब ये ख्याल क्यों नहीं आया उनको? मैं एक ही बोलता हूँ, राहुल की एक बार चांस दो। अब BRS बोल के वो चंद्रशेखर बोल के एक नया पार्टी आया है, गवर्नमेंट BRS बोल के, वो कहीं को आ रहा क्या करने के, यूथ के लिए क्या करते, यूथ है जवाना कुछ तो करना है, तो जाबा मिलना। अच्छा, 2000 चुनाव में 3 ऐसे चेहरे जिन्हें आप टक्कर मान रहे हो? कांग्रेस टफ रहता, कांग्रेस को रहता, BJP वो कुछ तो कर सकते हैं, पैसे के लिए गवर्नमेंट फॉर्म कर लेके इन लोगों को दुबा के पैसे वैसे वो कर दे के वो कर ले सकते। अच्छा, 2 लोगों में टक्कर मान रहे हैं, BJP और कांग्रेस में। ये कह रहे हैं कि जो 2024 के चुनाव है उनमें ये 2 लोगों को के बीच टक्कर मान रहे हैं, एक BJP और एक कांग्रेस, उनकी बात से कितना सहमत तो हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी और केजरीवाल की पार्टी, वो भी अगर उन्होंने गठबंधन किया तो उनको उनको भी मौका मिल सकता है। हाँ, आप किसे देख? हम तो उसे देखेंगे हु इज सिंसियर। अब इनमें से जो कोई भी सिंसियर होगा
ट्रूथफुल होगा तो जनता के लिए अच्छे से काम करेगा विदाउट मेकिंग द फेक प्रोमिसेस, तो यानी सिंसियर होना चाहिए। एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी जो है इतने दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वो कहां तक जो है हिट साबित हुई है और उनकी जो छवि है उसमें बदलाव कर पाई है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी का ये जो स्टैंड था, ये जो राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टैंड था, ये बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल स्टैंड रहेगा। इससे एक मैसेज आएगा, मेरे ख्याल से सफल है, जिस तरह से मैंने देखा मेरे ख्याल से सफल है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जो है सफल है, आपका क्या कहना है? आई डोंट थिंक सो। अपने लोग इकट्ठे करके आप यात्रा कर लेते हैं तो आप उसको सफल बोलते हैं? आपने भारत जोड़ने का, आपने कहते हैं कि भारत जोड़ो के लिए यात्रा करी है, हमारा भारत कभी टूटा ही नहीं था, जुड़ी हुई चीज को कभी आप दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी को जो खड़गे हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है, उसको सुधारने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। व्हाट डज ही मीन बाय बीजेपी एंड आरएसएस? आरएसएस से बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स निकले हैं। आरएसएस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिनको रिकग्नाइज करा, जिनको विभूषित करा हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, इंदिरा गांधी ने। ये व्हाट डज ही मीन बाय आरएसएस? इज इट ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? नो, ये भारत को एक हिंदू को हिंदुत्व बनाने वाली, जो एक डिसिप्लिन बनाने वाली, मैं हिंदुत्व की भी बात नहीं करूँगी, डिसिप्लिन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ही शुड बी प्राउड दैट बीजेपी से, वी ऑल शुड बी प्राउड कि हमारे बीजेपी से अडवाणी जी निकले, इतने बड़े नेता निकले, हमारे वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर निकले, मोदी जी निकले। सो आई डोंट थिंक जो राहुल बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं, उनको जो लिख कर दे दिया जाता है सिर्फ वही यूज़ करते हैं, अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं वो। अच्छा, आगामी 2024 का जो चुनाव आने वाला है, आप कौन सा चेहरा देखते हैं? मोदी जी को, बीजेपी को? यस, मोदी जी और बीजेपी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फाइनली समाप्त हो गई है, आपके हिसाब से उनकी छवि में कितना परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं आया अभी तक, कुछ भी नहीं आया। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं आया। कई सारे लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। लोग तो जैसे जैसे मॉल होता है तैसे तैसे चेंज हो जाते हैं ना, अभी तक तो हमें कुछ ना दिखा, अभी तक वो पावर में नहीं है, जब वो पावर में आएंगे फिर वो रंग दिखाएंगे। अच्छा, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये यात्रा है। हाँ, रोजगार तो सभी दे रहे हैं ना, जितने आते हैं वो सभी कहते हैं देते हैं, देता कोई भी नहीं है। हाँ, अच्छा एक और, जो जिस तरीके से जो है राहुल गांधी ने पहले संकल्प लिया था कि वो जो है उनको जब ठंड लगेगी तभी वो पहनेंगे, और उन्होंने अभी जैकेट पहन ली है, जो तीन बच्चे हैं उनकी बात की जा रही थी कि जब तक उनको ठंड नहीं लगेगी तब तक वो भी जो है जैकेट नहीं पहनेंगे, लेकिन अब उन्होंने जो जैकेट है पहन लिया है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब उनके पापा ने डाली तो बच्चे भी डालेंगे, जैसे वो करेंगे वैसे पीछे करेंगे पब्लिक। राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कितने हिट साबित हुए हैं, क्या 2024 के जो चुनाव है उसमें इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी हो या मोदी हो, फाइट दो ही में है, या मोदी जाएगा तो राहुल आएगा। केजरीवाल नहीं है क्या टक्कर में? केजरीवाल नहीं है टक्कर में? केजरीवाल, देखिए केजरीवाल भी है, उस एजुकेशन के लाइन में जो है एकदम फेवरेट हमारे पसंद का है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ फिर भी मैं केजरीवाल का तारीफ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने एजुकेशन को इतना अच्छा से पकड़ा है दिल्ली में, इसका मैं तारीफ करता हूँ। क्योंकि शिक्षा होगा तो जाहिर सी बात है विकास होना ही है, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के दिल सीपी में मौजूद थे, जहां हमने राहुल गांधी की यात्रा जो समाप्त हो गई है इस पर लोगों की राय जानने की कोशिश की कि वो कहां तक जो है सफल रही और उनकी छवि में कितना परिवर्तन आया है। तो कई लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मौका मिलना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ अपने आदमियों को जोड़ कर ये यात्रा की है जिसका कोई जो है असर लोगों को नहीं दिख रहा है। भारत टूटा ही कब था जो जोड़ने की ये लोग बात करते हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।